भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार है। नए संसद भवन का भूमि पूजन अक्टूबर 2020 में किया गया, दिसंबर 2020 में नींव रखी गई और अब 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना ये संसद भवन शानदार आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी तथा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है और ये मौजूदा संसद भवन के पास ही में बना हुआ है। एक और पुराना संसद भवन जहां भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्षमता का प्रतीक है, तो वहीं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग नए और स्वतंत्र भारत की आकांक्षा को दर्शा रहा है। खैर, नया संसद भवन अलग अलग वजहों से पिछले काफी समय से चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अब कालीन नगरी कहे जाने वाले भदोही का नाम भी इस नई संसद की बिल्डिंग से जुड़ चुका है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम करने वाला है भदोही का रंग बिरंगा हैंड निटेड कालीन। वैसे तो भदोही में कालीनों की कई तरह की वैरायटी है, लेकिन नए संसद भवन में सिर्फ हाथ से बनाई हुई हाई क्वालिटी की कालीन को बिछाया गया है, जो कि एक एक धागे से जोड़कर हाथ से बुनी जाती है। संसद भवन में 5,000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा एरिया कवर करने के लिए भदोही की OBT कालीन कंपनी से कालीनें खरीदी गई थी। 1400 कालीन बुनकरों ने 6 महीने में अपने हाथों से 282 कालीन तैयार किए। इनमें से 151 राज्यसभा और 131 लोकसभा के फर्श पर बिछाई जाएंगी। इन रंग बिरंगी मखमली कालीनों को ऊल और सिल्क से बनाया जाता है, जिनके हर एक इंच में 120 गांठें लगी हुई होती हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त होने की वजह से ये कालीनें करीब 100 साल से ऊपर चल सकती हैं। पर इसमें सबसे खास बात जो है वो ये कि कालीने संसद भवन में गोल आकार में बिछाई जाएंगी, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। इसके लिए भदोही से ही 25 कारीगरों को भेजा गया है, जिन्होंने इसे आपस में जोड़कर गोल आकार देने का काम किया था। बता दें, भदोही की हस्तनिर्मित कालीन की मांग पूरे विश्व में है। आज जहां चाइना, टर्की, ईरान और पाकिस्तान में हस्तनिर्मित कालीनों का काम सिमट रहा है, तो अपनी कला और परंपरा के कारण भारत में ये उद्योग ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। भदोही को कालीन नगरी भी कहा जाता है। शायद यही वजह है कि यहां बनने वाली कालीनों को जिले की ODOP बनाने के साथ ही इन्हें GI टैग भी दे दिया गया है। भारत में निर्मित कालीन का 80% हिस्सा भदोही से ही निर्यात किया जाता है। यहां से 73 देशों में कालीन का निर्यात हो रहा है। भदोही में बुनकर गुच्छेदार तिब्बती कालीन, पर्शियन कालीन और दरी को भी बनाते हैं। वैसे अब इस कारोबार को और ऊंचाइयां देने के लिए भदोही में देश का सबसे बड़ा कालीन बाजार खोला गया है, जहां लोगों को विश्व की सबसे महंगी पर्शियन कारपेट से लेकर हाथ से बनी हुई रंग बिरंगी कालीन आसानी से मिल जाया करेंगी। वैसे बताते चले कि भदोही के कालीन उद्योग का इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। 16वीं सदी में लिखी हुई आईन-ए-अकबरी में इसका लिखित साक्ष्य मिलता है, जिसमें बताया गया है कि बादशाह अकबर अपनी फौज के साथ भदोही के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी फौज के कुछ लोग पीछे छूट गए, जिन्होंने भदोही के आसपास अपना डेरा डाल दिया और इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कालीन बनाने का काम शुरू कर दिया। उस दौरान जो कालीन बने वो शाही कालीन कहलाई है। वैसे विश्व में कालीन का इतिहास 5,000 साल पुराना है। 3,000 ईसा पूर्व विश्व में सबसे पहले मिश्र में कालीन बनाई गई थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।